हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे व्रत में खाई जाने वाली सब्जी और पूड़ी हम कैसे बनाते हैं। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमने आलू उबाल लिए हैं। हमने 1 किलो के आसपास आलू उबाले हैं। तो हमें इन सब की पूरे की सब्जी नहीं बनाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे आलू उबाल लिए हैं, तो फ्रेंड्स ये हमने एक साथ उबाल तो लिए हैं आलू, लेकिन हमें व्रत वाली सब्जी सिर्फ 1 लोगों के लिए ही बनानी है। तो हम आलू सारे छील लेंगे और उसके बाद हम इसमें से आधे आलू निकाल लेंगे। तो ये हमने आलू उबाले थे और इनको ठंडा कर लिया है। तो जब हमारे आलू ठंडे हो जाएंगे तो हम एक एक करके सभी आलुओं को अच्छी तरह से छील लेंगे। तो ये हम सभी आलू छील रहे हैं, इसमें से आधे आलू हम निकाल लेंगे जो कि हम घर में और दूसरी सब्जी बनाएंगे। व्रत के लिए हमें सिर्फ 1 लोग के लिए ही सब्जी बनानी है, क्योंकि बिटिया आज हमारी व्रत है, एकादशी का व्रत था आज। तो वो व्रत थी तो मैंने उसी के लिए अपना आलू और आलू की सब्जी और पूड़ी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम यही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमने सारे आलू एक एक करके छील लिए हैं और इनमें से आधे आलू हम हटा लेंगे। तो आप देखिए, हमने एक टमाटर लिया है बड़ा, और हमने थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले ली है, 2-3 हरी मिर्च हमने काट ली है। तो ये मिर्ची भी ज़्यादा है और इसमें टमाटर भी ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ 1 लोग की सब्ज़ी बनानी है। तो हम आधा टमाटर यूज़ करेंगे और आधी मिर्ची डालेंगे। तो देखिए, ये हम सारे आलू निकाल ले रहे हैं और 3-4 आलू हम रखेंगे, क्योंकि हमें 1 लोगों के लिए सब्ज़ी बनानी है। तो हमने 3 आलू ले लिए हैं और इनमें हम चाकू नहीं लगाएंगे, हम इनको हाथ की मदद से छोटा छोटा टुकड़ा करके पीस बना लेंगे। हम बिल्कुल भी चाकू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप चाकू ना लगाकर हाथ से जब आलू तोड़ते हैं तो उसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चाकू से ना काट के आप इसी तरह से हाथ से छोटे छोटे पीस बना लीजिए। तो ये देखिए, हमने पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारे सारी सब्ज़ी तैयार है। आप देखिए, हम इसको तड़का लगाएंगे, सब्जी को छौंकेंगे। तो छौंकने के लिए हम जीरा लेंगे और हरी मिर्च लेंगे। हम जीरा और हरी मिर्च से सब्जी को छौंकेंगे। तो ये हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है। ये कढ़ाई हमारी जब गर्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकती हैं। ये हम बिटिया को देसी घी कम पसंद है, तो हम रिफाइंड ऑयल से सब्जी बनाएंगे। तो हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। जब हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। ये हम जीरा डाल के अच्छे से भून लेंगे। जीरा हमारा जब तड़कने लगेगा तब हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो ये देखिए, अभी हमारा जीरा अच्छे से पका नहीं है, तो जब जीरा हमारा पकेगा तभी हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो जीरा हमारा पक गया है और हमने हरी मिर्च भी डाल दी है। तो हरी मिर्च को भी हम अच्छे से पका लेंगे। पकने के बाद हम टमाटर डाल देंगे। ये हमने पूरा 1 टमाटर नहीं डाला है, हमने थोड़ा सा टमाटर बचा लिया है, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी और खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो ये हमारा टमाटर पक रहा है फ्रेंड्स। टमाटर पकने के लिए हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से गल जाए। तो ये हमने थोड़ा सा नमक डाला है, हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम सब्ज़ी बहुत कम बनाएंगे, तो इसलिए हमने ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया है। तो ये जब हमारा टमाटर गल जाएगा अच्छे से तब हम आलू डाल देंगे, जो हमने आलू के पीस बनाए थे हाथों से तोड़ के। तो ये हमने सारे आलू डाल दिए हैं और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही भूनेंगे। जब ये हमारे आलू अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें रसे वाली सब्ज़ी चाहिए। हम रसे वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप सूखी सब्ज़ी बनाना चाहें तो आप इसको सूखा ही रखें, इसमें पानी ना ऐड करें। तो हम रसेदार बनाएंगे, तो हमने पानी ऐड कर दिया है। ये नमक हमने सेंधा वाला यूज़ किया है, तो आप भी सेंधा नमक ही यूज़ करें, क्योंकि ये व्रत का खाना है तो इसलिए हमें व्रत वाला नमक ही यूज़ करना है। तो सब्जी ये हमने पानी अपने हिसाब से डाल दिया है और अब हम इसको ढक देंगे। जब ये हमारी सब्जी खोलने लगेगी तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो अभी हमने इसको ढक लिया है और हम पूड़ी के लिए आटा गूँथ लेंगे। तो ये हमने आटा भी गूँथ लिया है फ्रेंड्स, तो आप मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैंने वीडियो शूट नहीं की आटा
आपको गूंथने की। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो गई थी। तो ये हमने आटा लिया था एक कटोरी और उसमें दो आलू हमने फोड़ लिए थे और फोड़ करके मिक्स करके अच्छे से इसको गूंथ लिया है। तो अब देखिए हमारी सब्ज़ी इधर पक चुकी है। तो सब्ज़ी को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, देख लेंगे कि हमारी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी है या पतली है, कैसी है, क्या है, हम देख लेंगे। अगर हमारे हिसाब से सब्ज़ी बन गई होगी तो हम सब्ज़ी को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। तो हमारी ग्रेवी हमारे हिसाब से तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद हम सब्ज़ी को किसी दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। सब्ज़ी में हम कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। तो धनिया हमारे पास नहीं थी, थोड़ा सा धनिया था तो हमने कटोरे में धनिया काट लिया है और हम इस सब्ज़ी को इसी में अच्छे से पलट लेंगे। तो ये हमने सब्ज़ी को पलट लिया है और इसी कढ़ाई को धुल के हम साफ़ कर लेंगे और इसी में हम पूड़ी बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी हल्की पेंदी की कढ़ाई है और पूड़ियाँ हम इसी में बनाते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और इसी कढ़ाई में हम पूड़ी बनाएंगे। तो देखिए हमने कढ़ाई रख दी है और जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें फिर से रिफाइंड ऑयल डालेंगे पूड़ियाँ तलने के लिए। तो हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। देखिए हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है तो हमने थोड़ा ही तेल लिया है। तो देखिए पूड़ी आप कैसे बनाएंगे, गोल गोल लोई हाथ में लेंगे और हथेली की मदद से पूड़ियाँ बनानी है। ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ी है तो इसके लिए आप थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये सिंघाड़े के आटे में हमने आलू मिक्स किया है तो हमारी पूड़ियाँ हथेली की मदद से जब हम बनाएंगे तभी बन पाएंगी, क्योंकि बेलन हम इस पे नहीं लगाएंगे, बेलन से ये हमारी पूड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए हम हाथों की मदद से ही छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाकर और रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। देखिए आप, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ एक एम चिपक गई थी, तो देखो कैसी आधी हमारी कच्ची रह गई है। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए हमारी पूड़ियाँ खूब अच्छे से फूल रही हैं। तो ऐसे ही हम आलू मिक्स करके जब पूड़ियाँ बनाएंगे तो हमारी पूड़ियाँ खूब फूलेंगी। वैसे सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं फूलती हैं, लेकिन जब आप आलू इसमें मैश कर लेंगे, मिक्स करके बनाएंगे तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं। तो गैस को हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, हम मीडियम गैस को रखेंगे, नहीं तो हमारी पूड़ियाँ जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ऊपर से हमें जली जली लगेंगी और नीचे से हमारी पूड़ी कच्ची रहेगी, इसलिए हमको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना तो ज़्यादा तेज़ रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम कम रखेंगे तो आपकी पूड़ियाँ नहीं फूलेंगी और अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपकी पूड़ियाँ जल जाएंगी। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही हम इस पूड़ी को पकाएंगे। तो ये देखिए हम ज़्यादा नहीं पका रहे हैं, दो दो पूड़ियाँ डाल रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हमने तेल नहीं डाला है इसमें, हमने थोड़ा तेल डाला है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ भी नहीं बनानी है, हमें एक लोगों के लिए खाना बनाना है तो हम उसी हिसाब से हमने तेल डाला है। तो इसमें हम जब दो दो पूड़ियाँ डालेंगे तभी हमारी पूड़ी अच्छे से पकेगी। अगर हम ज़्यादा पूड़ियाँ एक साथ डाल देंगे तो हमारी पूड़ियाँ नहीं पक पाएंगी, ना ही तो फूलेंगी। तो आप देख रहे होंगे कि पूड़ियाँ हमारी कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो एक एक करके इसी तरह से हम जितनी भी पूड़ियाँ हैं सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। सब्जी पूड़ी में अगर आप कुट्टू का आटा लेना चाहें तो आप कुट्टू का आटा भी ले सकती हैं, कुट्टू का आटा भी व्रत में खाया जाता है। हमने यहाँ पर सिंघाड़े का आटे का यूज़ किया है, आप कुट्टू का आटा भी ले सकती हैं। कुट्टू के आटे में भी आप आलू को इसी तरह से मिक्स करके बनाइए पूड़ी, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी सब्ज़ी पूड़ी फटाफट बनकर रेडी हो गई है।